देखो, बार बार जयपुर बुलाने का लक्ष्य अशोक गहलोत का एक ही है कि जो प्रदेश के अंदर टिड्डी से किसान बर्बाद हो रहे हैं। बाड़मेर से लेके बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में लाखों हेक्टर जमीन को टिड्डी चाट गई, जीरा इसबगोल नष्ट हो गया। राज्य सरकार ने एक पैसा भी वहां पर नहीं दिया, सारा सिस्टम फेल्योर हो गया। दूसरा, नवजात बच्चों की जो मौत हुई थी उस मामले के अंदर भी बार बार बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इसका ध्यान बटाने के लिए सीएम बार बार राहुल गांधी को लाके केंद्र पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ये पता नहीं कि केंद्र ने दो जो बिल ये लेके आए, धारा 370 और CAA, ये 50 साल पहले आ जाने चाहिए थे। इसके समर्थन में पूरा देश खड़ा है। राहुल की सभा फ्लॉप शो थी। NCC के कैडेट, प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, स्कूली यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे, इन बच्चों को लाके इन्होंने 10,000 की भीड़ इकट्ठी करी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रधान का नवनिर्वाचित सरपंच या प्रधान का कोई समारोह, स्वागत समारोह ऐसा नजर आ रहा था वहां। पहले दिन उन्होंने स्थान बदल लिया। मतलब हालत ये हो गई कि युवा आक्रोश रैली नाम दिया गया, लेकिन युवाओं में कोई आक्रोश वहां पर नजर नहीं आ रहा था। हाँ, एक बात थी कि ध्यान प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए अशोक गहलोत बार बार राहुल गांधी को ला रहे हैं, और राहुल गांधी एक तरीके से बेरुपये के रूप में राहुल को लोग मानने लगे इस देश के अंदर। जब लोकसभा के अंदर आते हैं तो सारे MP हंसते हैं, वो जाते हैं तो हंसते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का जो लहजा है, एक हंसी के पात्र के रूप में जरूर लोग उनके मजे जरूर लेते हैं। जिस तरह हमारे पूर्व MP हुआ करते थे, उनकी लोग हंसी उड़ाते थे, उसी तरह राहुल गांधी की हंसी जरूर लोग उड़ाते हैं। राहुल की सभा फ्लॉप शो थी। ये राजस्थान की जनता उनसे जवाब मांग रही है कि टिड्डी के मामले में आपने क्या किया, नवजात बच्चों की मौत हुई उसमें आपने क्या किया, किसान आत्महत्याएं कर रहा है आपने क्या किया, जवान आत्महत्याएं कर रहा, अपराध में राजस्थान बढ़ रहा है तो इसमें आपने क्या किया। ये जवाब राजस्थान की जनता, राजस्थान की आम आदमी इससे मांग रहे हैं। ये फ्लॉप शो है, और इस तरह की सभाएं करके और कांग्रेस पार्टी ज्यादा दिन तक राजस्थान के अंदर राज नहीं करेगी। इनको जो आपस में खींचतान चल रही है, इनको एक दूसरे की चिंता है। बार बार राहुल और सोनिया की परिक्रमा करके गहलोत कुर्सी बचाने में लगे, और पायलट अपना प्रमोशन करना चाहते हैं। पंचायत चुनाव भी नहीं करा पा रहे हैं। पंचायत चुनाव भी 4-5 चरण के अंदर हो रहे हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव होंगे नहीं होंगे इस बात की भी अभी कोई गारंटी नहीं। प्रदेश के अंदर हाहाकार मच रखा है। जवान सड़कों पे है, किसान आंदोलित है। रात को करीब 5-7 हजार किसान की बेटियां, लड़कियां PCC कार्यालय के बाहर बैठी थी, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। कोई रेलवे स्टेशन में गई, कोई बसों के अंदर गई। ये हालात है राजस्थान के। तो राजस्थान के हालात यहाँ का आम व्यक्ति, किसान, जवान सब बयान कर रहा है। राहुल गांधी को अगर बात करनी थी तो टिड्डी पे करते, बेरोजगारी पे करते, बेरोजगारी भत्ता लागू कराने पे करते, और 10 दिन में कर्ज माफी की जो बात की थी सरकार बनने में, वो कर्ज माफी की बात करते, तब हम मानते कि राहुल गांधी कोई करे। ये तो एक लोकसभा चालू होने वाली है, इसलिए दिल्ली की तरफ ध्यान बटे, प्रदेश सरकार अपना पीछा छुड़ाना चाहती, राहुल गांधी को बार बार लाके और दिल्ली पे आरोप लगा रहे। दिल्ली की सरकार सही काम कर रही है बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए। मोदी जी से हम बात करेंगे, वो चिंतित है। इस बजट में भी कुछ विशेष होगा, और इस साल बेरोजगार और किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिल्ली की सरकार देगी। आज राहुल गांधी की जो सभा थी उसमें एक रजिस्टर भी लाए थे, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर के नाम से। उन्होंने एक नए अभियान का आज से आगाज किया है कांग्रेस में। कई विशेषज्ञों का भी मानना है कि देश में आर्थिक मंदी है और बेरोजगारी है। नहीं तो देश में जो बेरोजगारी है, केंद्र सरकार के जितने भी केंद्र के महकमे के पद है वो तो केंद्र सरकार भर देगी। स्टेट के पद कौन भरेगा? स्टेट गवर्नमेंट भरेगी ना। तो स्टेट में 4 लाख खाली पद, उनका क्या होगा? सरकार पहले, मैं कोई पूर्ववर्ती सरकार को भी नहीं कह रहा हूँ भर दिए उन्होंने, लेकिन 4 लाख पद जो खाली, उनको कौन भरेगा? और जिस घोषणा पत्र को लेकर आपने सरकार बनाई राजस्थान के अंदर, 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, आप रजिस्टर कितने ले, हम भी रजिस्टर लेके आएंगे, 10 दिन में कर्ज माफी, मुफ्त बिजली की जो योजना लागू की इन्होंने वापस बिजली के पैसे चालू कर दिए, स्टेट हाईवे टोल फ्री की इन्होंने वापस टोल लेना चालू कर दिया, गुटखे पे अशोक गहलोत ने बैन लगाया, कह दिया मैग्नीशियम हैक ने, फिर चेक किया और गुटखा कंपनियों से पैसा वसूल करके गुटखा चालू करा दिया। शराब 30 फीट में या 40 फीट में दारू नहीं बिकेगा, बार नहीं होगी, रातों रात पैसा लिया और चालू कर दिया। तो हर काम कर रहा है ना ये, तो एक आदेश निकाला, वसूली करी और दूसरे दिन उसको बंद किया। सारे मंत्री लूट खुसरूट के अंदर लगे हुए, पूरा भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर। आलम यह हो गया कि CMO, CM रेजिडेंस और चारों तरफ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। यह अशोक गहलोत का पहला कार्यकाल है। मैं 8 से 13 में इनका कार्यकाल देखा था। 8 से 13 के कार्यकाल में थोड़ी बहुत समझदारी से इनका राज चला हुआ। इस बार तो टोटल अधिकारी मजे ले रहे हैं, सुपर CM दूसरे हैं, CM दूसरे हैं,
बेटा हारने के बाद बौखलाहट के अंदर है और बौखलाहट में तरह तरह की बात भी कर रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ये जितनी भी विजिलेंस की कार्रवाई राजस्थान के अंदर हो रही है, बेटे की हार की बौखलाहट है कि किसानों को तंग और परेशान किया जाए, ये फ्लॉप शो है। ये कितने रजिस्टर लेके आ जाए कांग्रेस, पंचायत चुनाव का जो मंडल जिला परिषद अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस को बुरी तरीके से राजस्थान में हराएंगे। हम नई रैली करने जा रहे हैं इन सब राज्य सरकार के तमाम जो फेल्योर सिस्टम है इसको ठीक करने के लिए, किसानों की जोधपुर के अंदर उसकी रैली का तारीख हम आजकल में घोषित करेंगे, वो जोधपुर के अंदर करेंगे, पहली गृह मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से, और उसमें 2 से 3 लाख जवान और किसान जुटेंगे। जोधपुर से हम रैली की शुरुआत फरवरी महीने के अंदर रैली करेंगे जोधपुर के अंदर, प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश होगा, हुंकार बनेंगे। पूरे देश में एनआरसी और सीए का एक मुद्दा है, लेकिन आज जो राहुल गांधी की सभा हुई थी उन्होंने ना सीए को लेकर कोई जिक्र किया ना एनआरसी को लेकर, आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है क्या सीए को? नहीं, करना ही पड़ेगा ना, कांग्रेस का सही सिस्टम नहीं है, 10 दिन उड़दन करवा दिया इन्होंने, लेकिन अब चलता नहीं, लोग समझ गया सारी बात कि सीए सही है। हमने तो उन अल्पसंख्यकों को जो तकलीफ में थे उन सबको यहाँ नागरिकता देने की बात करी, और मोदी जी ने इतना तक कहा कोई मुसलमान भी अगर तकलीफ में होगा किसी देश का अल्पसंख्यक अगर हिंदुस्तान में नागरिकता मांगेगा उसको भी देंगे। ये कहाँ का अल्पसंख्यक होना चाहिए उस देश का जो यह शरणार्थी बन के आया। भारत ने तो हमेशा सब धर्मों को अपने अंदर हिंदुस्तान ने समायोजित किया, हिंदू धर्म इतना बड़ा है कि जिसने सारे धर्मों को अपने साथ लेके चला हिंदू धर्म, तभी तो भारत विश्व गुरु कहलाया था। निश्चित रूप से जो बिला रहे हैं जो एक 50-60 साल से 30 थी लोगों के मन में, उससे कांग्रेस बौखला गई, और कांग्रेस की हालात तो यह है कि करीब करीब क्षेत्रीय पार्टियों में सारे कांग्रेस जिंदा, बची कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है कांग्रेस आप बताओ मुझे, कौन से स्टेट है, सारी क्षेत्रीय पार्टियां बड़े बड़े स्टेट के अंदर। राजस्थान के अंदर भी अगर उस समय वसुंधरा जी को हटा के कोई दूसरा चेहरा आता आरएलपी का गठबंधन हो जाता तो 120 सीट आती बीजेपी आरएलपी गठबंधन, तो वसुंधरा का विरोध था राजस्थान का। बात अगर वसुंधरा के विरोध की चली है तो बंगला खाली कराने को लेकर आपने बंगला खाली कराने को लेकर मैं शिवलाइन फाटक पे आरएलपी प्रदर्शन करेगी, बड़ा जल्दी हम उसका भी ऐलान करेंगे, वहाँ बैठेंगे हम लोग, बंगला खाली कराएंगे मैडम का। एक अपने यहाँ विजिलेंस की कार्रवाइयों को बहुत ज्यादा कार्रवाई हो रही है, किसान भी कई बार ये वो जानबूझ के कार्रवाई को हनुमान बेनीवाल के लोगों को कमजोर कैसे, ये सीएम खुद बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे दिल्ली की सरकार में, यहाँ भी करेंगे कि विजिलेंस के अंदर जितने भी सीटें गलत भरी है इनको 10% या 5% जिस तरह पहले की सरकारें करती है आप 5% 10% पैसे लेकर सेटलमेंट के अंदर इनको खत्म करें, ये हम दबाव बना रहे हैं सरकार पे। अपना जो जोधपुर की रैली होगी उसमें पुरजोर तरीके से ये मुद्दा रहेगा विजिलेंस वाला। सर कल राजस्व मंत्री पूर्व एमपी और कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं और उन लोगों प्रशासन ने काफी पुलिस जाब्ता लगाया है, तो क्या आरएलपी उनका विरोध करेगी? क्योंकि देखिए ये सड़कें हैं सरकार की, कोई भी घूम सकता है, और मुझे तो जानकारी नहीं कि आप कह रहे हो कोई आ रहा जा रहा है, ऐसा कोई मेरी जानकारी में अभी तक है नहीं मामला। और हमारा अगर विरोध करने को अगर कर देंगे जहाँ भी उनके वहाँ जाके कर देंगे, कहीं भी कर देंगे, लेकिन मुझे अभी तक जानकारी नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा। और पूर्व एमपी क्या जिले में सब लोग घूमते ही हैं, और जो सरपंचों के उम्मीदवार होते हैं वो अपने मनपसंद नेताओं को बुलाते हैं। मैंने 3 दिन में कोई 40 सरपंचों गया हूँ, सब जगह जा ही रहा हूँ, हमेशा आने जाने पर रोक थोड़ी है किसी की, कोई भी आ जा सकता है। अभी तक तो हमारा तो कोई मूड ऐसा बना नहीं है, अभी आपने बताया कि आ रहे हैं जा रहे हैं बात कर लेंगे, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई अगर आ रहा और उसको ले जा रहे हैं, तो ऐसे तो ये प्रदेश सबका है, सब घूम सकते हैं। लेकिन राजस्व मंत्री ने जो अच्छी हरकत बाड़मेर में हमारे साथ करी थी उसकी पीड़ा जरूर हमारे मन में, वो इलाज हम करेंगे उसका समय आने पे, समय के साथ सारा काम होगा। मुख्य मकसद हमारा कि 2023 में आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर बने और किसान जवानों को राहत मिले, ये हमारा मुख्य एजेंडा। राजस्व मंत्री हमारा एजेंडा नहीं, क्योंकि हम उसको बराबर का नेता नहीं मानते। कर्ज माफी से लेकर जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी बनी, टोल मुक्त देश वो भी रखेंगे, तमाम वो मुद्दे जो हमने उठाए वो लोकसभा के अंदर भी पुनः उठाएंगे, हम विशेष राज्य का दर्जा, किसानों की कर्ज माफी, रोजगार, ये सारे मुद्दे रखेंगे। तो पिछली बार भी बोले थे इस बार वही वापस बजट के अंदर हमने, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार देश का बजट है वो जवानों और किसानों के लिए भी सुनहरा बजट होगा। इसमें सर
सरकार कुछ बड़ा करने के मूड में है क्या? जो सरकार तो पूरा ही बड़ा करने के मूड में, दिल्ली की, हाँ दिल्ली की सरकार तो बड़ा करने के मूड में ही है। सारे बड़े ही बड़े होंगे, छोटा तो कोई बचा ही नहीं पीछे। बड़ा ही करना, जनसंख्या का बिल लेके आएगी और कुछ बड़ा होगा, रोजगार, किसान, ये प्रमुखता से रहेंगे। खेत का, सिंचाई का पानी की योजना है, जितनी भी राजस्थान की लंबी योजना है इनको पूरा करवाएंगे।